हाय, वेलकम बैक टू ह्यूमन बीइंग। क्या आपके भी ऐसे कोई दोस्त हैं जो पहले तो बहुत बातें करते थे, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो गया कि अब वो बहुत ही शांत हो गए हैं, उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। मैं लेकर आया हूं आज जुन्जी इतो हॉरर कलेक्शन एनिमे की एक और कहानी। इस कहानी का नाम है स्लग गर्ल। यूको का नेचर बहुत ही हंसने और खेलने वाला था, वो बहुत बातें करती थी, लेकिन एक दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो बस शांत हो गई। थोड़ा बहुत भी अगर वो बोलती तो उसके मुंह से गलत शब्द निकलते या टूटी फूटी भाषा में वो बात करती। जब उसने स्कूल ही जाना बंद कर दिया तो उसकी फ्रेंड री ने उसके घर जाकर पता लगाने की कोशिश की कि आखिर यूको को हुआ क्या है। यूको के घर पहुँचने पर री को उसके बैकयार्ड से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो देखती है कि यूको के पेरेंट्स बहुत सारे स्लग्स को मार रहे होते हैं। पता नहीं कैसे पर यूको के घर के बैकयार्ड में बहुत सारे स्लग्स आ जाते हैं और वो बेंच पर और प्लांट्स पर और ज़मीन पर सब जगह पर चिपक से जाते हैं। जब री यूको के कमरे में जाती है तो वहाँ पर यूको बहुत ही डरी हुई बैठी होती है, जैसे कोई सदमा लग गया हो। वो बहुत ही रिपल्सिव नेचर शो कर रही होती है, किसी को भी अपने पास आने नहीं देती। यूको की मॉम उससे पूछती हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो। अचानक से जब यूको अपना मुंह खोलती है तो एक बहुत बड़ा सा स्लग उसके मुंह से निकलता है। यूको के मुंह से निकला वो स्लग बहुत ही चिपचिपा होता है। जब यूको के पेरेंट्स उसकी ये हालत देखते हैं तो वो बहुत ही घबरा जाते हैं और यूको की मदद करने के लिए एक तरकीब लगाते हैं। यूको के फादर अपने घर के बाथटब को पूरा नमक से भर देते हैं। वो यूको से कहते हैं कि तुम इस सॉल्ट के अंदर लेट जाओ और अपना मुंह इसके अंदर जाकर खोल दो, नमक की वजह से वो स्लग मर जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या होता है, यूको उस नमक के दलदल से बाहर आती ही नहीं है। यूको के पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि उसको बाहर निकाल लें, लेकिन उन्हें अंदर यूको मिलती ही नहीं है। सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये है कि उन्हें कुछ अंदर महसूस होता है और जब वो बाहर निकालते हैं उन्हें सिर्फ यूको का सर ही मिलता है। स्लग का तो पता नहीं पर सॉल्ट की वजह से यूको की बॉडी ज़रूर छोटी सी रह जाती है और लगभग दिखाई ही नहीं देती। कहानी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती है। वो स्लग यूको के सर को अपने शेल की तरह यूज़ करता है और अभी भी वो उस घर के बैकयार्ड में घूम रहा है। जब आप उसके पास जाओगे तो यूको आपको बड़ी ही दुखी निगाहों से देखेगी। जितने भी लोग मेरा कंटेंट देखते हैं उनमें से सिर्फ 9% ही सब्सक्राइब्ड हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच।